आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। मैं बेसिकली दिखाऊंगा कि यूएस में अपार्टमेंट्स कैसे होते हैं। तो इसमें मैं रहता हूँ एक्चुअली, इस पर्टिकुलर अपार्टमेंट में। तो दिस इज़ द एंट्री पॉइंट और द मेन गेट ऑफ द अपार्टमेंट्स। जैसे यूएस का फ्लैग यहाँ पे लगा हुआ है, दोनों तरफ रास्ता है अपार्टमेंट में आने और जाने के लिए। तो बाहर नेम रखा गया है लेक्स ऑफ कार्मेल अपार्टमेंट्स। खूबसूरती से गार्डनिंग किया गया है, लैंडस्केप्स है यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत, फ्लावर्स लगे रहते हैं, मतलब 12 महीने कुछ ना कुछ फ्लावर्स रहते हैं। विंटर में मर जाते होंगे फ्लावर्स पर। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सो दिस इज़ द एंट्रेंस, वी आर गोइंग इनसाइड द अपार्टमेंट। तो यूएस के अपार्टमेंट्स मेनली जो पुराने हैं थोड़े, जो अभी नए बन रहे हैं वो तो इंडिया के जैसे बन रहे हैं छोटे छोटे, बट जो पुराने अपार्टमेंट्स हैं, जैसे ये बहुत ही पुराना है, ये बहुत ही बड़े होते हैं। लाइक यू नो दिस अपार्टमेंट्स में भी एक साइड से दूसरे साइड जाऊँगा तो 1.5 माइल के 2 माइल या सब पैदल चलना पड़ेगा। और अगर मैं पूरा गोल गोल घूम के आऊँगा एक साइड से दूसरे तरफ तो हाँ वैसा ही होगा, 2 माइल के जैसा या फिर 1.5 माइल करीब करीब। तो इतना बड़ा है ये अपार्टमेंट। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लेक है। तो इस अपार्टमेंट का नाम है लेक्स ऑफ कार्मेल। तो इस अपार्टमेंट के अंदर आई थिंक 7 लेक्स है या 5 से 7 लेक्स है। कैन यू इमेजिन एक अपार्टमेंट के अंदर 5 से 7 लेक्स आर देयर इनसाइड द अपार्टमेंट। आई रियली डोंट नो एग्जैक्ट काउंट, बट कभी तो किसी से सुना था कि इतने अपार्टमेंट्स हैं। मैं कभी पूरा अपार्टमेंट घूमा नहीं आज से पहले, देखते हैं आज कितना दूर जा सकते हैं। तो ये एक लेक है जो हम लोगों को दिख रहा है सामने। तो सामने चल के देखते हैं ये लेक। वीडियो थोड़ा शेकी हो सकता है क्योंकि मैं हाथ से ही कर रहा हूँ ये वीडियो। तो चलिए गिम्बल भी लेना है, गिम्बल लेने से ये शेकीनेस चला जाता है। तो ये एक लेक है, ये देखो कैसे, ये आर्टिफिशियल लेक्स है, ऐसे ही नहीं बना है, ये बना गया है। तो यहाँ पे अगर पानी ज़्यादा हो जाता है तो ओवरफ्लो ना करे तो ऐसे ड्रेनेज सिस्टम है, तो यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा ड्रेन से। अगर बहुत ज़्यादा बारिश हुआ ना तो ऊपर नहीं आएंगे पानी, लेक का लेवल हमेशा मेंटेन रहेगा। तो ये लेक है, यहाँ पे फाउंटेन्स है। और थोड़ा चलते हैं लेक के सामने, यहाँ पे बार्ड्स आते हैं। एक्चुअली बार्ड्स मतलब गीज आते हैं, कैनेडियन गीज। सुबह रहता है, कल मैं आया था तो बहुत सारे थे, अपने बच्चे को लेके आते हैं गीज, यहाँ पे घूमते हैं। लेक्स में फिश भी है, पता नहीं दिख पाएंगे कि नहीं अभी। तो ये एक फाउंटेन है इसी लेक में, सामने दूसरा फाउंटेन है और आगे जाके दिख रहा है और एक फाउंटेन है। तो इस लेक में 3 फाउंटेन है। तो इतना बड़ा लेक है, यू सी दिस इज सो ह्यूज। फिश मेरे को दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे, आई एम नॉट श्योर इफ यू कैन सी इट, आई होप यू कैन सी देम। स्मॉल स्मॉल फिशेज हैं बहुत सारे। तो हाँ, यहाँ पे पेड़ है ऐसे, बहुत खूबसूरत है जगह, यहाँ पे पिकनिक कर सकते हैं एक्चुअली। फ्रेंड्स और फैमिलीज को लाके यहाँ पे पिकनिक कर सकते हैं, यहाँ पे बैठ के, इतना खूबसूरत है जगह। और ये है अपार्टमेंट्स लेक्स ऑफ कार्मेल के, ऐसे बहुत सारे अपार्टमेंट्स, आई डोंट नो टोटल कितने होंगे। मेरा अपार्टमेंट थोड़ा सामने है, जो मैं हाथ दिखा रहा हूँ यहाँ से उस तरफ है। तो आई होप हम लोग समझ गए ये जगह कैसा है। तो यहाँ से चलते हैं थोड़ा अभी और आगे जाके दिखाता हूँ और क्या क्या एमिनिटीज़ है इस अपार्टमेंट के अंदर। बहुत सारे एमिनिटीज़ है यहाँ पे, स्विमिंग पूल है, जिम है, लॉन टेनिस का कोर्ट है,
जो कोर्ट अभी एक्चुअली रिनोवेट हो रहा है, तो उसका फिर से नए से बन रहा है वो कोर्ट। कुछ दिन पहले ही स्विमिंग पूल रिनोवेट हुआ है, तो लेट्स गो टुवर्ड्स लीजिंग ऑफिस एंड देन विल गो टू स्विमिंग पूल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लीजिंग ऑफिस के जैसे, मतलब लीजिंग ऑफिस के तरफ। सो ये अंदर घुसते ही सीधा है लीजिंग ऑफिस स्ट्रेट। ये बहुत अच्छा, देखो फिर से यहाँ पे भी लैंडस्केपिंग किया गया है, बहुत ही खूबसूरत है। इट्स लुक सो नाइस। तो यहाँ के जनरली अच्छे कोई भी अपार्टमेंट्स कैसे रहते हैं, बहुत खूबसूरती से वो लोग लैंडस्केपिंग करते हैं सो के दिखने में अच्छे लगे। और एक डेढ़ महीने पहले यहाँ पे और भी फ्लावर्स थे, क्योंकि स्प्रिंग था तो स्प्रिंग में यहाँ पे फ्लावर्स ब्लूम होते हैं। तो मेरा वीडियोस है, इफ़ यू वांट टू सी यू कैन वॉच देम, आई हैव अपलोडेड दोज वीडियोस, जो के चेरी ब्लॉसम्स के वीडियोस है, फ्लावर्स के वीडियोस है, तो वो सारे है। आप लोग मेरा प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो फ्लावर्स का वीडियोस। तो यहाँ पे अभी थोड़ा थोड़ा फ्लावर्स बचा हुआ है, क्योंकि अभी समर आ गया है सो अभी हीट ज़्यादा है, फ्लावर्स उतने नहीं रहते। यहाँ से फिर से लैंडस्केपिंग है, यहाँ पे लिखा हुआ है कहाँ कहाँ पे है। सो बेबी पार्क है इस साइड पे, पेट वॉश है, बाईसाइकिल हब है, स्पोर्ट्स कोर्ट्स है, प्लेग्राउंड है। तो ये है लीजिंग सेंटर लेक्स ऑफ कार्मेल के। तो दोनों तरफ जा सकते हैं यहाँ से, ये सेंटर है। इस साइड में भी भर भर के अपार्टमेंट्स हैं, दिख ही रहा होगा सारे अपार्टमेंट्स। सो लेट्स सी दिस लीजिंग ऑफिस फर्स्ट। तो ये है लीजिंग ऑफिस का एंट्रेंस, और यहाँ पे भी अच्छे तरफ से लैंडस्केपिंग किया गया है लीजिंग ऑफिस के बाहर, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये है जिम, जहाँ पे मैं वीक में 3 बार आता हूँ। सो दिस इज़ द जिम, कोई नहीं है लग रहा है, और मैं भूल गया जिम का की लाना। मतलब आई हैव ए की थ्रू विच आई कैन ओपन द डोर, तो अभी तो मैं लाना भूल गया, पर यहाँ से दिखा सकता हूँ। जिम में सारे इक्विपमेंट्स है, तो यहाँ पे अंदर जिम है। ये मिस्टेक हो गया, मैं भूल गया ये की लाना। तो यहाँ से फिटनेस सेंटर है, ये यहाँ से ये लॉक है, इसको अनलॉक करके यहाँ से घुस सकते थे, बट आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माय की। तो ये है जिम, पीछे और भी है साइड में जो मैं दिखा नहीं सकता इस साइड से। तो हाँ, बात बन जाता है इसी जिम से, मतलब यू कैन स्टे फिट इफ़ यू यूज़ दिस जिम रेगुलरली। तो यहाँ पे बच्चे का खेलने का जगह है, इसी है बच्चे का खेलने का जगह है यहाँ पे। ये है स्विमिंग पूल, मैं की लाना भूल गया तो मैं यहाँ पे भी नहीं आ सकता, मैं वीडियो नहीं करता हूँ, लोग है पूल में। तो और ये है हमारा बैठने का जगह, जहाँ पे यू कैन कम एंड पिकनिक कर सकते हैं, आप लोग आके पार्टी कर सकते हो छोटा मोटा फ्रेंड्स के साथ, खाना पीना ला के यहाँ पे बैठ के खा सकते हो आप लोग, ऐसा है। और ये है ग्रिलर, तो ये ग्रिल मशीन है, आप यहाँ पे खाना बना के मतलब मैरिनेट करके लाओ और इसमें जलाओ आग, और इसमें ग्रिल करो, और फिर ये ग्रिल हो जाने के बाद यहाँ पे ही आप बैठ के खाओ और वेदर का लुफ्त उठाओ। तो बहुत ही अच्छा सोच समझ के किया गया है। तो ये है लॉन टेनिस का कोर्ट, जिसके बारे में मैं बोल रहा था, इसका रिनोवेशन चल रहा है।
इन लोगों ने पीच डाला है, पूरा कोड बनाया है अभी, सिर्फ अभी मार्किंग्स होना बाकी है, पेंटेड होना बाकी है, और इसके ऊपर वो आर्टिफिशियल ग्रास लगाना बाकी है। तो यहाँ पे दो कोर्ट्स है एक्चुअली, ये जो दिख रहा है यहाँ पे दो लॉन टेनिस के कोर्ट्स है। तो इस साइड का हो गया है, मैं ये राइट साइड में चलते हैं, राइट साइड में भी एक बार देखते हैं क्या है, फिर उसके बाद आएंगे लेफ्ट साइड में। फिर से एक बार, कितने अच्छे लैंडस्केपिंग्स हैं, बहुत ही खूबसूरत। सी द कलर कॉम्बिनेशंस दे हैव चूजन, इट्स वेरी नाइस। तो घुसते ही अंदर, ये लेफ्ट साइड है एक्चुअली, अगर हम लोग लीजिंग ऑफिस के तरफ बाहर के रास्ते से आ रहे हैं तो यहाँ पे स्विमिंग पूल है। मैं वीडियो नहीं कर रहा हूँ अंदर क्योंकि लोग हैं, तो वो भी बहुत खूबसूरत बनाया गया है, जस्ट रिसेंटली रिनोवेटेड दैट स्विमिंग पूल। तो ये सारे क्रिसमस ट्रीज है, ये कभी मरते नहीं है, ट्रीज मरते नहीं है मतलब यहाँ पे फॉल आते ही और विंटर आते ही सारे पत्ते झड़ जाते हैं, जैसे इस पेड़ के एक भी पत्ते नहीं रहेंगे विंटर में। ये कलर रहेंगे बहुत सारे, ये रेडिश एंड येलोइश कलर में आएंगे ये पत्ते और फिर झड़ जाएंगे, पर ये सारे पेड़ के पत्ते कभी नहीं झड़ेंगे विंटर में भी नहीं। आई सॉ अ स्क्विरल, सी बेबी स्क्विरल, यहाँ पे भाग गए अंदर। तो यहाँ पे पार्किंग्स ऐसे रहते हैं, दो तरफ के पार्किंग्स है इस अपार्टमेंट में, एक ये आउटसाइड में जैसे यहाँ पे रखे गए हैं, दीज आर फ्री पार्किंग्स। अगर कोई अंदर पार्किंग करना चाहे, राइट, दिस इज शेडेड पार्किंग, तो इसके लिए पैसा लगता है, थोड़ा ही बहुत पैसा है, ज़्यादा मतलब हर महीने कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है। ये काम में आता है जब विंटर होता है, तो फिर ये शेडेड पार्किंग में स्नो नहीं गिरता है, मतलब स्नो साफ नहीं करना पड़ता है हर दिन, वरना ये बाहर के जो पार्किंग है ये पूरा स्नो से ढक जाता है विंटर के दिन में गाड़ी, तो क्या होता है फिर उसको साफ़ करने में दिक्कत आता है क्योंकि बाहर बहुत ही ठंडा रहता है। तो यहाँ पे दिख गया बहुत सारे डक्स, बेसिकली बहुत सारे डक्स नहीं है, डकलिंग्स है, एक ही तो डक दिख रहा है मेरे को, और बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे। थोड़ा जूम करता हूँ, और ये और एक लेक आ गया, और फिर से और एक फाउंटेन्स है। सो हर लेक में एक एक फाउंटेन्स, या फिर बड़ा लेक है तो मल्टीपल फाउंटेन्स है, बट ये फाउंटेन्स रात में लाइट अप हो जाता है, मतलब दे ग्लो इन डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, सो बहुत ही खूबसूरत लगता है रात में वो फाउंटेन्स। Now I'll go this way to show you something which is important. So ये फिर से ये closed garages और shaded garages है, और ये सारे apartments है, गाड़ी है यहाँ पे सबके parking में लगे हुए। यहाँ पे और भी parking है, extra parking है जो कि खाली पड़ा हुआ है। इस side में मैं क्यों आया, I wanted to show you one important thing here कि हम लोग कचरा कहाँ पे फेंकते हैं। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे और भी एक फैसिलिटी है कचरे का जो मैं बताऊंगा अभी, पर उससे पहले दिखा देता हूँ ये कॉम्पैक्टर्स। तो इसको बोलते हैं कॉम्पैक्टर्स, जहाँ पे कचरे फेंक सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास कचरा फेंकने का अलग सर्विस है, तो हम लोग कुछ नहीं करना पड़ता है, घर में आके कचरा लेके जाते हैं हर दिन। पर अगर ज़्यादा कचरा हुआ और फेंकने के लिए आना पड़ा, तो ये है ट्रैश कॉम्पैक्टर्स। तो क्या है यहाँ पे, यहाँ पे एक मशीन है, यहाँ पे जाना है कचरा लाना है, कचरा मतलब एक ट्रैश बैग में लेके आना है, और ये ट्रैश कॉम्पैक्टर को ऐसे खोलना है और इसमें डाल देना है, ऐसे इसमें कचरा डाल देना है, और ये एक मशीन है एक्चुअली। तो फिर डालने के बाद जब ये हम इसको बंद करेंगे लाइक दिस, तो ये मशीन ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा।
अगर हम लोग कचरा फेंकते हैं अंदर तो वो क्या करेगा, वो बड़ा सा कचरे को छोटा बना देगा प्रेस करके। तो ये मशीन वही करता है और बहुत सारा कचरा इसके अंदर जा सकता है। फिर हर दिन या वीक में 2-3 बार गाड़ी आके वो जो मशीन है उसको चेंज करके दूसरा मशीन लगा के देता है, या फिर वो कचरा वहाँ से किसी भी तरह से लेके चला जाता है, उसको खाली कर देता है। तो यही है काम उस ट्रैश कॉम्पैक्टर का। अभी हम लोग दूसरे तरफ के मतलब दूसरे तरफ जाएंगे, विच इज़ द राइट साइड ऑफ द अपार्टमेंट। तो ये तो दूसरा अपार्टमेंट है, पीछे दिख रहा है ये दूसरा अपार्टमेंट है। यहाँ से अपना अपार्टमेंट ख़त्म हो रहा है, मतलब पीछे और भी है मैं नहीं गया, पर ये जो है गेट, ये दूसरे अपार्टमेंट और अपने अपार्टमेंट में बीच में गेट लगा गया है ताकि गाड़ी आ जा ना सके। तो हम लोग अभी चलेंगे दूसरे तरफ। यहाँ पे भी एक बैठने का जगह है, एक्चुअली मल्टीपल ऐसे है बैठने का जगह, और हर जगह पे एक ग्रिल मशीन लगा हुआ है। आई होप यू गाइस कैन सी इट, आई विल ज़ूम इट टू शो यू। जैसे 3 चीज़ रहता है यहाँ पे, जहाँ पे भी ऐसे बैठने का जगह होता है, मीन खाने पीने के लिए, एक बैठ के खाने के लिए, ग्रिल करने के लिए, दूसरा ट्रैश फेंकने के लिए। ये जो चीज़ है ये ट्रैश फेंकने के लिए है ताकि कोई गंदगी ना करे बाहर। तो अभी हम लोग फिर से आ गए लीजिंग ऑफिस के सामने, और अभी हम लोग जा रहे हैं राइट साइड में। तो सेम ही है हर जगह पे, ओपन पार्किंग है, अपार्टमेंट्स है उसके नीचे ही सारे ओपन पार्किंग है एंड शेडेड पार्किंग है, अगर कोई शेडेड पार्किंग लेना चाहता है तो। ये ग्रास जो है ना, ये ग्रास कभी बढ़ता नहीं है, इतना ही रहता है, क्योंकि वीक में एक बार इसको काटा जाता है। और यहाँ पे स्प्रिंकलर्स लगा हुआ है ग्रास के नीचे नीचे ताकि 2 टाइम पे पानी दे सके ग्रास को, तो इसीलिए ये इतना हरा रहता है। अदरवाइज़ इतना जो धूप है अभी यहाँ पे काफ़ी अच्छा गर्मी है, तो इसमें ये सारे सूख जाते हैं वरना ग्रास। तो 2 चीज़ करते हैं लोग, काटते हैं ग्रास को मशीन से हर हफ्ते एक बार, और फिर दिन में 2 बार पानी देता है। ये है स्प्रिंकलर्स जो मैं बोल रहा था लगा हुआ है नीचे, तो ये हर जगह पे लगा हुआ है पूरा, जहाँ पे भी ग्रास है, सो दैट दे कैन गिव वाटर टू द ग्रास। ओ फिर से एक स्क्विरल देखा यहाँ पे, भर भर के स्क्विरल ऐसे, उसे ये बेबी बच्चा है। यहाँ पर स्क्विरल बहुत बड़ा होता है, गिलहरी बोलते हैं ना, तो वो बहुत बड़ा होता है। यहाँ पे ये एकदम बेबी है, छोटा है, सो क्यूट है। और ये देखो ये इस सो ये जो पेड़ है, दिस इज काइंड ऑफ अ क्रिसमस ट्री, और ये जो फल है इसके ऊपर से ये यहाँ पे गिरे हुए हैं बहुत सारे, बहुत ही खूबसूरत है दिस फ्रूट्स काइंड ऑफ थिंग। तो ये घर के डेकोरेशन के लिए भी यूज़ करते हैं लोग, ये दुकान में मिलते हैं, पर ऐसे नहीं, मतलब इसको थोड़ा कलर करके, सेंट लगा के, परफ्यूम मतलब सेंटेड ये मिलता है, जो लोग घर में रखते हैं फॉल कलर्स के टाइम पे लोग खरीदते हैं ये, और बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो अभी हम लोग आ गए हैं और एक जगह पे, और यहाँ पे मेरे को दिख गया एक चीज़, ये और एक पॉन्ड है, मतलब इसको लेक ही बोलते हैं ये लोग, और छोटा है। तो मेरे को एक बड़ा सा फिश दिख गया यहाँ पे, होप आई कैन शो यू। ये फिश यहाँ पे घूमता रहता है हमेशा, आई होप आप लोग देख पा रहे हो। यहाँ पे और एक रूल्स है, फिशिंग अगर कोई भी करता है यहाँ पे
तो उसको छोड़ देता है चीज़, कोई घर पे लेके नहीं जाता है, मतलब एटलीस्ट इन दिस अपार्टमेंट एरिया यू कैन नॉट टेक द फिश। हाँ टाइटल देखा, ये देखो मेरे को टाइटल दिखा, आई होप आपको भी दिख रहा होगा। यप दिख रहा है ना, ये काफ़ी क्यूट सा एक टाइटल है पानी के अंदर। अब अंदर चला गया, चलो फिश भी आई होप दिख रहा है। ये जो फिश है सेंटर में थोड़ा सा ऊपर ही दिख रहा है, पानी से थोड़ा सा उसका फिन बाहर निकला हुआ है, बट इट्स अ बिग वन। आई हैव सीन दिस फिश मल्टीपल टाइम्स इन दिस पॉन्ड। तो ये जो फाउंटेन है, ये रात में इट्स लाइटन अप विथ डिफरेंट मल्टीपल कलर्स, चेंज द कलर्स एंड द एम्बियंस बिकम्स वेरी ब्यूटीफुल नाइट। तो अभी हम लोग इस छोटे से पॉन्ड का एक चक्कर लगा ही लिए, वी आर गोइंग टूवर्ड्स द रोड अगेन। तो यहाँ पे भी एक बैठने का जगह बना गया है विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे पेड़ों के नीचे जो कि शेडेड है, यहाँ पे सेम बैठने का जगह है, ग्रिल मशीन है और ट्रैश है, सो एनीवन कैन कम एंड एंजॉय। और एक स्क्विरल था इसके अंदर घुसा। ओके तो अभी हम लोग, और ये जो बड़ा सा लेक था वही वाला लेक है, यहाँ पे फिर से दिख रहा है यहाँ से, ये है बाइक हब। एक्चुअली मैं ये भी दिखा सकता था पर मेरा एक शॉर्ट वीडियो में है बाइक हब का डिटेल्स। तो इसके अंदर लोग अपना बाइक्स रख सकते हैं, क्योंकि घर तक ले जाना बाइक अच्छा नहीं है, हमेशा वो हर दिन कैरी करके ऊपर घर तक ले जाओ और लेके आओ। तो यहाँ पे जैसे गैराज है गाड़ी का, वैसा ही ये बाइक हब में यू कैन कीप योर बाइक्स, लॉक करके रखने का जगह है यहाँ पे। तो आई होप दिख रहा है सारे बाइक्स इसके अंदर है, मेरा भी बाइक है इसके अंदर ही, यहाँ से नहीं दिखेगा पर ऐसा है, ये अच्छा है। और यहाँ पे यहाँ से आप ओपन कर सकते हो की से, सेम ही की से सब कुछ ओपन होता है। तो ये बाइक हब है। दूसरा है पेट वॉश, अगर पेट है तो इफ यू आर टेकिंग इट आउट वाइल टेकिंग इट होम इनसाइड, यू कैन गो इनसाइड एंड वॉश द पेट, क्लीन इट एंड देन गो एंड देन टेक इट टू योर होम। ऐसा है, ये कोई कॉप्स भी रहता है यहाँ पे, उसका गाड़ी शरीफ। नेक्स्ट है यहाँ से, अभी सेम ही है, और भी दो चार लेक्स है और ऐसे ही अपार्टमेंट्स है पीछे भी। मोर ऑर लेस अभी अब सेम है, ऐसे ही अपार्टमेंट्स है और लेक्स है और एमिनिटीज है, पर हाँ अभी धूप है, लोग बाहर नहीं है, शाम में थोड़े बहुत लोग आते होंगे बाहर, तो सब कुछ खाली है। तो सामने का लेक की तरफ एक बार जाते हैं। मेरा अच्छा खासा मॉर्निंग वॉक हो गया एक्चुअली, अभी मॉर्निंग 11 नहीं बजा, टाइम इज 10:40 AM। तो हाँ बोल सकते हैं मॉर्निंग वॉक हो गया मेरा 1 माइल का। 1 माइल मतलब 1.5 किलोमीटर के जैसा मॉर्निंग वॉक। तो यहाँ पे ये और एक लेक आ गया सामने दिख रहा है, ये भी बड़ा ही है, और यहाँ पे और एक लेक है राइट साइड में। ये सारे फेदर्स है गिरे हुए यहाँ पे, ये सारे गीज के हैं, कैनेडियन गीज के। तो मॉर्निंग में वो लोग आते हैं और पूरा इलाके में, एक तो मैं पिक ही कर लेता हूँ, दिखाता हूँ कितना बड़ा है,
तो ये गीज़ बहुत बड़े बड़े होते हैं, कैनेडियन गीज़। मेरा पास वीडियो भी है, इफ़ यू वांट टू सी देम यू कैन सी देम इन माय सम अदर वीडियोस। तो ये एक लेक है साइड में एंड ये और एक लेक है मेरे लेफ्ट साइड में। और अपार्टमेंट्स काफ़ी खूबसूरत लगते हैं ये अपार्टमेंट्स, ऐसे पेड़ है भर भर के। यहाँ इसका पानी थोड़ा अलग कलर का है, पर ये सारे लेक्स बनाया गया है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि ये लेक्स पहले से ही था। जब ये अपार्टमेंट्स प्लान किया गया होगा इतने बड़े इलाके में, तो इन लोगों ने प्लान करके बनाया है ये लेक्स, सो दैट इट लुक्स ब्यूटीफुल। ब्यूटिफिकेशन के लिए सारे लेक्स बनाया गया है, सो दैट जो भी यहाँ पे रहेंगे उन लोगों को अच्छा सा एक एम्बियंस मिले, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है रात में जब मेरे घर के सामने जो लेक है उसमें लाइट जलता है। तो या इट्स रियली ब्यूटीफुल, सो आई एम वेरी हैप्पी इन दिस अपार्टमेंट। अभी तक तो प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी, सब कुछ सही है, बहुत ही खूबसूरत है ये अपार्टमेंट। और हर जगह पे जहाँ पे भी मौका मिला इन लोगों ने ऐसे ही थोड़ा बहुत लैंडस्केपिंग करके रखा है, सो दैट देखने में अच्छा लगे। यहाँ पे फिर से एक बैठने का जगह, तो सामने ख़त्म होता है, सामने रोड है, तो यहाँ पे इस साइड में अपार्टमेंट यहाँ पे ख़त्म होता है। सो वील रिटर्न बैक नाउ, आई थिंक दैट इज़ इट। तो कॉमेंट्स करके बताओ कि कैसा लगा US का अपार्टमेंट्स। मैंने इससे पहले भी बहुत सारे अपार्टमेंट्स में रहा हूँ, एक्चुअली और दो अपार्टमेंट्स में मैं रहा हूँ इससे पहले, तो ये अब तक का सबसे अच्छा अपार्टमेंट्स है मेरा। बाकी के अपार्टमेंट्स भी ठीक ठाक ही थे, मतलब दोज वर बिग ऑल्सो, बट दिस इज़ मोर सीनिक देन एनी अदर अपार्टमेंट, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस लेक्स ऑफ कार्मेल। तो वीडियो ख़त्म करते हैं यहाँ पे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर माई वीडियो, लाइक इट। और एक चीज़ करना, कमेंट्स करना, सो दैट आई नो कि आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो, क्या क्वेश्चंस है, आई ट्राई टू आंसर देम। ओके, थैंक यू, थैंक्स लॉट, बाय।